बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हुई हाई लेवल की मीटिंग में सीएम ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन भी जारी किए, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि रात में कर्फ्यू रहेगा और दिन में भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए निकलेंगे। लेकिन नज़ारा भयावह है। पटना की अगर बात करें तो जो भी मृत लोग होते हैं कोरोना का, अस्पताल से ही उन्हें पीपीटी किट में सील किट में पीपीटी किट करके उनको भेजा जाता है शमशान घाट। लेकिन जब बांस घाट हम पहुँचे वहाँ देखने के लिए तो हकीकत चौंकाने वाला था। कुछ ही मिनटों के अंतराल में एम्बुलेंस और मोर्चरी व्हीकल आ रहा था जिसमें कोरोना से मृत लोग थे। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन लोग इतना संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि प्रशासन भी लाचार नजर आता है। जब बांस घाट पहुंचे तो कुछ परिजनों ने कहा कि एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, ऑक्सीजन तो मिली लेकिन मशक्कत के बाद तब तक इनकी मौत हो गई। किसी से हुआ है मौत? कोरोना से हो गया। किस हॉस्पिटल में थे? राजेश्वर। वहाँ इलाज ऑक्सीजन वगैरह मिल पाया? हाँ, ऑक्सीजन तो मिला है लेकिन एडमिट ठीक नहीं, बहुत गंदा। क्या हुआ था? बहुत गंदा है वहाँ, कोई केयर नहीं करता। वहाँ कोई केयर नहीं कर रहा? कोई नहीं। और उनके परिजनों में खासतौर पर कुछ लोग पीपीई किट पहने हुए भी दिखे, कुछ मास्क लगाए भी थे, हालांकि गाइडलाइन का वो पालन कर रहे थे, लेकिन खौफ साफ साफ दिख रहा था कोरोना का। अगर लेकिन बात यही नहीं रुकती है, सरकार को टाइम गैप मिला था जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तो, लेकिन अब कोरोना का सेकेंड वेव आया था। विशेषज्ञ और डॉक्टर कहते रहे कि सेकेंड वेव आएगा, तैयारी कर लें, लेकिन सरकार ने न हॉस्पिटल में कोई पुख्ता व्यवस्था की, न अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाया। और अगर बात करें बिहार की तो बिहार सरकार ने बजट के लिए करीब 36,000 करोड़ शिक्षा में बजट के लिए दिए, जबकि स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 13,000 करोड़। जबकि सरकार को ये पता था कि कोरोना का सेकेंड वेव आ रहा है तो ऑक्सीजन की का प्रोटेक्शन करना चाहिए था, कोरोना के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। हालांकि सरकार ने की है व्यवस्था, लेकिन संख्या को देखते हुए व्यवस्था नाकाफी लग रही है। जब आप बांस घाट की का नजारा देखेंगे तो वाकई आपका दिल दहल जाएगा। कैमरा पर्सन शमशेर सिंह के साथ दीपक कुमार सिंह, एबी न्यूज़ पटना।